नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती, हर एक निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं। 45 साल पहले दिया अपना फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। पिछली सुनवाई में सीजीआई बोले थे जियो और जीने दो। बीएसपी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की जिम्मेदारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज रायबरेली में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विकिपीडिया को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस, पक्षपात और गलतियों की शिकायतें। कमला हैरिस की जीत के लिए तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव थोड़े से इंद्रपुरम में की गई विशेष पूजा। सपा से बढ़ी राजा भैया की नजदीकियां, इंद्रजीत सरोज के खिलाफ वापस लिया मानहानि का केस। भाजपा नेता के स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या, मुरादाबाद में स्कूल से 50 मीटर दूर वारदात, सिर में मारी गोली। लखनऊ में तेज हुई छठ पूजा की तैयारियां, 15 लाख लोग होते हैं शामिल। बाजारों में बड़ी फल कपड़े और पूजा सामग्री की खरीदारी। सलमान खान को लॉरेंस के नाम से फिर मिली धमकी, कहा जिंदा रहना है तो बिश्नोई मंदिर में जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ रुपए दो। उत्तराखंड में 36 मौतों की आंखों देखी, 100 फीट खाई में लटके युवक ने किया फोन, यात्री बोले खिड़कियों से नीचे गिर रहे थे लोग। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा, 3 नहीं 5 साल का होगा दावा, फौज को लुभाने के लिए शाबाश सरकार का फैसला। वाराणसी में परिवार के 4 लोगों का मर्डर, पति ने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारी, वारदात के बाद पति हुआ फरार। जेड स्क्वायर मॉल से सिक्योरिटी गार्ड की गिरकर मौत, कूदा या फिर हादसे का शिकार हो गया, पुलिस जांच में जुटी है। लखनऊ में डेंगू की तरह बुखार का असर, तेजी से गिर रहा प्लेटलेट्स, कमजोरी और बदन दर्द से कर रहा रहे मरीज। आईएएस अफसर को मिठाई के डिब्बे में रिश्वत देना पड़ गया महंगा, पुलिस बुलाकर नेताजी को भिजवा दिया थाने। प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली में वाहनों के धुएं से सबसे ज्यादा बढ़ रहा पॉल्यूशन। लखनऊ में बाजार खोलने से पहले 10 दुकानें सील, यैयागंज में चला अभियान, 50% लोगों का हाउस टैक्स बकाया। लखनऊ में कमिश्नर पहुंची छठ पूजा घाट, घाट पर हेल्थ एटीएम, फायर की गाड़ी और गोताखोरों की लगेगी स्पेशल ड्यूटी। मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं, महाराष्ट्र चुनाव से पहले बोले शरद पवार। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।